हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, व्यापारी महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे डिप्टी सीएम पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट जी, सेवा दल के प्रमुख लालजी देसाई, यहाँ उपस्थित हमारे सेक्रेटरी विवेक बंसल जी, तरुण कुमार जी, काजी निजामुद्दीन जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रघु मीणा जी, सेवा दल के राजस्थान के अध्यक्ष राकेश पारिक जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी रघु शर्मा जी, बी डी कल्ला जी, प्रताप सिंह जी खचरियावास, प्रमोद जैन जी, रमेश मीणा जी, ममता भूपेश जी, भजनलाल जी जाटव, सुखराम जी विश्नोई, तमाम उपस्थित सेवा दल के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित सेवा दल के हमारे साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राहुल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राहुल जी जब से कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हों, या महामंत्री थे या अध्यक्ष बने हों, उनके जहन में हमेशा सेवा दल के लिए विशेष स्थान रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि सेवा दल की स्थापना जब से हुई है, हार्डिकल साहब के जमाने से ही, समय के साथ साथ में, चाहे गांधी जी थे चाहे पंडित नेहरू थे, सभी के साथ में सेवा दल का गहरा रिश्ता रहा है। ये सब आपको जानकारी में है। और पंडित नेहरू इसलिए कहा करते थे, सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। उस सेवा दल के साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से, हमारे प्रदेश साथियों की ओर से, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है ये अधिवेशन जो बहुत लंबे अरसे बाद हो रहा है, उसका अपना एक महत्व है, इसका अपना एक संदेश है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। सेवा दल में प्रतिबद्धता है, निष्ठा है, सेवा भाव है, और जो कोई जिम्मेवारी आपको दी गई है, आप उसे पीछे नहीं हटे हो, ये इतिहास गवाह है। अभी राम जी भाई कह रहे थे आपको, राजस्थान का हमारा अनुभव है, राजीव जी के जमाने में उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट को भी सेवा दल की ट्रेनिंग करवाई, मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी सेवा दल की मैंने ट्रेनिंग करी, मेरे साथ साथ में बाद में हमारे एमएलए ने ट्रेनिंग करी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे, मंत्रिमंडल के साथी थे, सबकी उस जमाने में सेवा दल की ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। इस प्रकार से सेवा दल ने अपना एक अधिकार था, उसने निभाया, धर्म को निभाया। और मुझे खुशी है जब भी कहा गया कि राजीव जी प्रधानमंत्री बने थे, और जहाँ जहाँ वो गए, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, उसके बाद में उन्होंने घोषणा करी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद में जो वहाँ की समस्याएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, जो हम लोग वादे करते हैं, उसका फॉलोअप कौन करेगा, सबसे बड़ा विश्वास किया गया सेवा दल पर। सेवा दल प्रधानमंत्री फॉलोअप प्रोग्राम का नज़र रखेगा, इस प्रकार का महत्व सेवा दल को इस देश में मिला है। मुझे याद है कि अभी राम जी भाई कह रहे थे, भयंकर सूखा पड़ा था, 3-4 साल लगातार सूखा पड़ा। राजीव जी उस वक्त में प्रधानमंत्री थे, 3 दिन की यात्रा, विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा 3 दिन तक कोई प्रधानमंत्री बाई रोड गाड़ी चला करके, उस वक्त में सोनिया गांधी जी उनके साथ थी, राजस्थान के 9 जिलों के दौरे किए, गांव-गांव में गए, सुख दुख पूछा गांव वालों का, अकादादिक कामों को देखा, गायों के प्रबंधन को देखा, चारे की व्यवस्था को देखा, पानी की व्यवस्था को देखा, इस प्रकार एक नया इतिहास बनाया था। वो जमाना भी था, जिस रूप में सेवा दल ने साथ दिया उस वक्त में भी, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जब देश के सामने चुनौतियाँ हों, जो हालात देश में हैं, अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे किस प्रकार के हालातों में हमें
उस चुनौती को स्वीकार करना है। जिस प्रकार से हमें आने वाले चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी निभानी है, देश में आज जो घृणा का माहौल बना रखा है, अविश्वास का है, नफरत का है, संवेदनहीनता का है, हिंसा का माहौल है, उसका मुकाबला हमें करना है। और हमें करने में दमखम है हम लोगों में। राहुल गांधी जी कह चुके हैं, हमें देशवासियों को संदेश दे चुके हैं, हमारा किसी से कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, सिद्धांतों की, नीतियों की लड़ाई है, और वो हम जम के लड़ेंगे और अंतिम विजय सत्य की होगी। और सत्य राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप हम सबकी ये फर्ज बनता है, कैसे हम जो राहुल जी ने एजेंडा बनाया है देश में, कैसे किसानों का भला हो, उनमें खुशहाली आए, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिले बड़े रूप में, वो एजेंडा उनका है। महंगाई कैसे कम हो सके, वो एजेंडा उनका है। करप्शन कैसे मिट सके, जवाब देते वो नहीं बनता प्रधानमंत्री से, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने राफेल को मुद्दा बनाया, रोड परतें खुलती जा रही है, रोज की रोज आप देखते होंगे समाचार पत्रों में जवाब वो जरूर आ रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के हालात में आज ये बड़ा मुद्दा बना है। इस संदेश को भी लेकर आपको जाना है गांव गांव में, किस प्रकार से बड़े रूप में जो भ्रष्टाचार किया गया है और जवाब नहीं आ रहा, लोकतंत्र में जवाब आना बहुत आवश्यक होता है। इस रूप में राहुल जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। जिस प्रकार हमारी यूपी गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब जो फैसले हुए थे वो फैसले ऐतिहासिक थे। नरेगा जो महात्मा गांधी के नाम से समर्पित है, पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं बनी है। जो लागू हुआ कानून बना के लोकसभा के अंदर, आज पूरे देश के अंदर प्रति व्यक्ति को गारंटी दी गई है 100 दिन के रोजगार की, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो काम सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह ने कर दिखाया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए गए, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देने का, ये भी कानून बना के अधिकार दिया गया है। आरटीए लेके आए, बड़े बड़े फैसले हुए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, राजस्थान में हम लोगों ने बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल के लिए, अंत्योदय योजना के लोगों के लिए हमने 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ देने का हमने घोषणा नहीं कर दी, लागू कर दिया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक घोषणा जो हुई अभी, न्यूनतम आमदनी, न्यूनतम आय प्रत्येक व्यक्ति की हो देश के अंदर, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। जो राहुल गांधी जी ने बात कही है उसके मर्म को आपको हमको समझने की आवश्यकता है। अगर हम मर्म को नहीं समझेंगे तो बात को हम लोग कह नहीं पाएंगे। उनके पीछे भावना क्या है, इस देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं रहे, न्यूनतम उनकी आमदनी हो, आय हो, ये बीड़ा उठाया राहुल गांधी ने। और इस बीड़े को उठाने के बाद में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से जो भी हमारे सेवादल के साथी हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसयूए के साथी हैं, कांग्रेस जन है, सबको हमें कोई संदेश को आगे पहुंचाना है। इस प्रकार से एजेंडा जो तय किया है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मैं आह्वान करूंगा कि राजस्थान अजमेर की पावन धरा पर जो अखाड़ा साहब की दरगाह भी है, पुष्कर राज तीर्थ भी है, देश में दुनिया के लोग आते हैं पावन धाम पर, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संकल्प लेके जाएंगे किस प्रकार आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का मुकाबला करें जो आज देश को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को खतरा पहुँचा रही है, देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। और आज भी देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आज भी देश जानता है